नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल में। आज हम एक नया ट्रायल करने वाले हैं और वो भी मूंग की फसल में। जैसे कि आपको पता, हमने मूंग लगाया है तो उसके अंदर हम आज टेस्ट कर रहे हैं इस सेम्परा को। ये एक पाउच हमने लिया था 36 ग्राम का है, जो कि हम 1.5 एकड़ में डालने का प्लान कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन सबसे पहले ये है कि कोई भी किसान बगैर रिस्क के, बगैर मतलब कंपनी या फिर किसी मेरे द्वारा या जो भी जानकारी दी गई है उसके ऊपर पूरा भरोसा ना करें, क्योंकि ये हम ट्रायल ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप भी, मैंने ट्रायल डाला और आप अगले दिन उठा के ट्रायल डाल दो। मैं जस्ट इसको ट्रायल डाल रहा हूँ मेरे खेतों में। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, जैसे हमने BASF की टिंजर का डाला था चने में, जो कि चने में रिकमेंड नहीं थी पर हमने डाली और उसका रिजल्ट हमने आपको बताया, वैसे ही हम सेम्परा का भी ट्राई कर रहे हैं। हमारे मूंग जो है, जो नदी के बगल से थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा दोंगली है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गेहूं जैसा प्लॉट दिखता, तो उसके अंदर हम ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सबसे बेस्ट दोंगली के लिए सेम्परा मानी गई है। तो अभी हमने 9 गिलास का घोल बनाया है और 36 ग्राम को 1.5 एकड़ में डालने का प्लान बनाया है। तो ये था एक पाउच जो कि 36 ग्राम का है, ये 1 एकड़ का है लेकिन हम इसे डालेंगे 1.5 एकड़ में ताकि हमारे मूंग के ऊपर अटैक नहीं आए। रामवे, इसमें से एक एक गिलास सब में डाल दो। ले भैया, एक एक गिलास डाल दो। ओ, मैं 2 कुप्पा डले ले, नहीं पूरा 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 नहीं डले, नहीं पहले का भी था थोड़ा बहुत पानी का, तो ओखा और भर नहीं है। ओ, मैं पहले यू एक गिलास देख ले जाओ, 2 गिलास उनमें डाल दो और एक एक गिलास इनमें डाल लो। ये हम 15 लीटर पानी पे जो है 9 गिलास का घोल बना के एक एक डाल रहे हैं। और आपको इस वीडियो के बाद 8-9 दिन बाद हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम अपडेट देंगे कि क्या रिजल्ट फाइनल आया। ओके, घोल दियो अंदर, सफा है एकदम है। हाँ, डाल दो पानी, डाल दो। प्रिकॉशन ये रखने हैं भैया कि मतलब पहले तो डू नॉट ट्राई इट होम वाली बात है, ये हम ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम तो ये इस दोंगली से देख सकते हो आप, ये कहीं कहीं पे जो घेरे हैं, ये दोंगली का घेरा है, इतना भयंकर घेरा हो चुका है। तो इस कारण से हम ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई ना करें, हमारा रिजल्ट आने के बाद ही ट्राई करें। और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, अभी तो सिर्फ डाल रहे हैं, डालने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप हमारी चैनल को देखते रहें। वाह नली, कस दो यार नली। बढ़िया पानी कर रहे हो, भैया आए थे पावर पंप से दवाई डालने और पावर पंप हो गया एट अ टाइम खराब, तो चालू कर दिया हमने टंकी से दाल डालना। बिल्कुल धीरे धीरे दवाई डल रही है, एकदम धीरे धीरे, और धीरे चल जैसो अपन पोरिया पारी उनके चलना सिखामा नहीं, बिल्कुल वैसे ही चल लूँ मैं, नया पोरिया पारी हूँ, बिल्कुल पाए पाए चल के एकदम पूरो गीलो करता हुआ। तो ये दवाई को देख रहे हो और चारा देखो आप, ये नदी की देन है भैया, एक बार आई और इतना दोंगली छोड़ के गई है, इतना दोंगली छोड़ के गई है कि इतनी दोंगली हमने हमारे जीवन में किसी खेत में नहीं देखी है। देखो आगे भी ये पूरा खेत को ख़राब कर दिया है। और ये जो ट्रायल चल रहा है इसका 8 दिन बाद अपडेट भी देंगे हम कि क्या रिजल्ट आया। वैसे 20-25 दिन में आता है लेकिन एक 8 दिन में मोटा मोटा गणित की मूंग भी निपट रही कि सिर्फ दोंगली निपट रही, क्या निपट रही, ये सब पता चलेगा। और 1.5 एकड़ में डोज डाल रहे हैं 36 ग्राम को, एक 36 ग्राम का जो है उसका हमने 9 कुप्पे का घोल बनाया है। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, इधर जो है दोंगली हल्की पीली है, इधर अभी हरा कच है, उतना कलर पे इफेक्ट नहीं है।
आज का दिन है दूसरा और मूंग जो है उसके ऊपर भी अटैक है सेम्परा का, मतलब जो सेम्परा हमने डाली थी। हालांकि रिस्क ली है क्योंकि इस खेत में नदी बह के आने से, जैसे कि आपको पुरानी वीडियो से पता होगा कि किस तरीके से नदी बह के आई थी और उसने ये चीज़ें पूरी हमारे खेतों में छोड़ गई है। जहाँ जहाँ डाउन साइड है वहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर टेकरा है वहाँ पर थोड़ी कम है। अभी हम मूंग को देख रहे हैं तो जो मूंग है वो थोड़ा स्वस्थ है, मतलब पत्ते तो उसने हालांकि लटका लिए हैं, ये जो पत्ते आप देख रहे होंगे इस पर पूरा तरीके से स्वस्थपन नहीं है, पर अगर नई कोपल फ्रेश आ रही है इससे ये पता चलता है कि मूंग को उतनी दिक्कत नहीं आई है। और वहीं अगर हम दोंगली की बात करें तो दोंगली पे आपको दिख रहा होगा ये पीलापन। हालांकि आज तीसरा दिन है ये टूट गई है यहाँ से, तो अगर कभी ये पूरी तरीके से सड़ती है दोंगली तो हम आपको ये पूरी वीडियो में अपडेट देंगे ये वाली ब्लॉग में, और आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये मूंग पर अगर हम सेम्परा डालते हैं तो दोंगली को कितना प्रतिशत असर पड़ता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज है छठवां दिन और आज हमारी दोंगली की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि लगभग 50% जो दोंगली है वो पीली पड़ चुकी है और पत्तों के ऊपर सड़न स्टार्ट हो चुकी है और लगभग प्लॉट पे ख़त्म हो रही है। और इसके अंदर हमने जो है सेम्परा डाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मूंग के ऊपर भी असर है, लेकिन मूंग की जो नई पत्ती आ रही है उसे अगर हम देखें तो वो बिल्कुल फ्रेश आ रही है। पुरानी पत्तियों पर असर उसका दिखाई दे रहा है लेकिन नई पत्तियों पर ऐसा लग रहा है कि मूंग को कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी और मूंग कवर कर जाएगा। इसका मतलब ये कि सेम्परा हम मूंग की फसल पे डाल सकते हैं लेकिन 1.5 एकड़ में 36 ग्राम का पाउच डलेगा।